गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। बिल्डिंग मटेरियल हमारा सब्जेक्ट है और जो टॉपिक चल रहा फाउंडेशन, टॉपिक जो चल रहा है फाउंडेशन के बारे में डिटेल हमने बताया था। नेक्स्ट लेक्चर में पूरी जो डिटेल बताई थी, अब एक नेक्स्ट टॉपिक में आते हैं, इसेंट्रिक लोडिंग ऑन फाउंडेशन। इसेंट्रिक ये नया शब्द होगा, थोड़ा सा लगा जैसे डिफिकल्ट होगा, लेकिन है बहुत इजी है। कुछ है हेडिंग से आपको देख के लगेगा काफी टफ होगा, ये ऐसा कुछ नहीं है। इसेंट्रिक मतलब होता है अवे फ्रॉम सेंटर। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। आरसीसी में, स्टील में हर जगह इसका यूज होता है। इसेंट्रिक के बारे में हर जगह जरूरत पड़ती है, यही आपको मैं पूरा डेट क्लियर कर दूंगा। यहाँ पे इसेंट्रिक क्या है, अवे फ्रॉम सेंटर, सेंटर से कुछ दूरी पर। आप समझ रहे हैं, आपने क्लियर डाउट होगा कि सेंटर से दूरी पर नहीं समझ रहे हैं क्या चीज है, मैं बता रहा हूं क्या चीज है। ये देखिए, समझ लीजिए कोई बीम है, इसको देखिए एक एक मिनट, इसका मैं डिफिनेशन लिखवा दे रहा हूं, उसके बाद आपको क्लियर समझा रहा हूं। पहले डिफिनेशन लिखवा देता हूं, एक तरफ इसका शॉर्ट रूल, उसके बाद मैं करता हूं समझाता हूं। जनरली द फाउंडेशन, इसका डिफिनेशन क्या है, जनरली द फाउंडेशन ऑफ बिल्डिंग आर, जनरली सामान्यतः द फाउंडेशन ऑफ बिल्डिंग आर सो अरेंज, मतलब किस हिसाब से इनको इसको बनाया जाता है, सो अरेंज दैट द लोड पासेस थ्रू द, जो लोड क्या पासेस थ्रू द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ द फाउंडेशन ब्लॉक, मतलब इस हिसाब से इसको बनाया जाए, मतलब इस हिसाब से अरेंज किया जाए जो इसका लोड है वो कहां तक पास हो, सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ फाउंडेशन ब्लॉक। फाउंडेशन ब्लॉक का सेंटर ऑफ ग्रेविटी रहे, मतलब सेंटर ऑफ ग्रेविटी वहां तक भी मेंटेन रहे, मतलब इस हिसाब से इसको दूरी बनाया गया है कि उसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो है वो बरकरार रहे। अब मैं आपको समझाता हूँ ये कैसे होता है। ये सोच लीजिए कोई बीम है, ठीक, ये हमने क्या कॉलम रखा, ये कितने सेंटीमीटर का है, समझ लीजिए ये 4 सेंटीमीटर का कॉलम है। सपोज एक एग्जाम्पल बता रहा हूं, 4 सेंटीमीटर है तो इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी कितना पर 2 पे पड़ेगा, ठीक, 2 सेंटीमीटर पर पड़ेगा, ठीक। ये तो क्या है, सेंटर पे हो गया, ये तो सेंटर में, लेकिन अब हमें क्या समझाना है, इसेंट्रिसिटी ऑन इसेंट्रिक लोड लोडिंग ऑन फाउंडेशन, मतलब फाउंडेशन में सेंट्रिक लोडिंग क्या है। अब मैं एग्जाम्पल इसका बता रहा हूं, देखिए क्या है, ये क्या है, ये 4 सेंटीमीटर था, अब सोच लीजिए ये कितना है, जो आ रहा है, जो सेंटर आ रहा है, सेंटर कहां पे आ रहा है, सोचिए इसका जो सेंटर है, जो फिक्स पोजीशन थोड़ा सा डिस्टेंस हट गया है, ये 2 सेंटीमीटर है ना, 4 है, इसका आधा 2 सेंटीमीटर होगा ना। अब समझ लीजिए इसका सेंटर कहां पे आ रहा है, 2.5 पे, मतलब ये 2.5 पे जहां पे, मतलब ये एरिया जो है हमारा, ये 2 था, ये समझ लीजिए 2 से 2.5 है, मतलब ये जो सेंटर है, ये जहां पर लाई कर रहा है, ये जो अपना पार्ट है, ये जो मेंबर है,
उसको सेंटर पे जहां रखा है सेंटर से थोड़ी दूरी, सेंटर थोड़े से डिस्टेंस से घसका किनारे हल्का कर दिए, मतलब ये क्या होगा देखिए क्लियर समझेगा, ये बहुत ही थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, एक बार समझ जाएगा हमेशा इतनी कहीं दिक्कत नहीं होगी। ये अगर ये सेंटर अप्लाई कर रहा है ना, ये सेंटर यहाँ पे 2 सेंटीमीटर पे आया था, सोचिए सेंटर को थोड़े से घसका दिया जाए 2.5, मतलब ये जो कि कॉलम सेक्शन एक ही है ये 4 सेंटीमीटर का ही है, यहाँ पे 2 सेंटीमीटर पे सेंटर पे रख रहे थे, लेकिन यहाँ पे सेंटर से थोड़ा सा दूरी, मतलब ये सेंटर पॉइंट है हमारा, सोच लीजिए ये सेंटर पॉइंट है, इससे 2 गुणा तो डिस्टेंस पे रख रहा है कितना 0.5 सेंटीमीटर पे दूरी पर रख रहा है, मतलब ये थोड़ी सी जो डिस्टेंस है थोड़ा सा बाहर कर दिया, ऑफसेट कर दिया, ताकि इस पॉइंट पे भी लोडिंग, मतलब इस पॉइंट तक सेंटर ऑफ ग्रेविटी लाई करेगा, इस पॉइंट का सेंटर ऑफ ग्रेविटी रहेगा, इसके बाहर अगर जाने के तो फिर वो दिक्कत आने लगेगी, वो सेंटर ऑफ ग्रेविटी लाई नहीं करेगा, फिर वो कंडीशन में आना स्टार्ट हो जाएगा। तो इसमें ध्यान रख, क्लियर हो गया होगा ये चीज, इसेंट्रिसिटी ऑफ इसेंट्रिक लोडिंग क्या होगा, इसेंट्रिक लोडिंग आपको क्लियर हो गया यहां पे, ज्यादा कुछ बता रहे इसमें, बस ये सेंटर से थोड़ी सी दूरी, अगर सेंटर अगर 3.5 या 2.5 सब आगे पीछे थोड़ा इधर उधर कर सकते हैं सेंटर, मतलब कि कई कॉलम इंसेंट्रिक कॉलम भी बनाई जाती है सेंटर से थोड़ी सी डिस्टेंस रख करके, तो उस स्थिति में भी ये क्या होता है बैलेंस रहता है, ऐसा नहीं कि इम्बैलेंस रहेगा गिर जाएगा, ये बैलेंस मेंटेन अपनी बैलेंसिंग जो है इस पॉइंट तक की बैलेंसिंग अपना मेंटेन किए रहता है। तो ये यही होता है इंसेंट्रिक लोडिंग और फाउंडेशन, क्लियर होगा टॉपिक आपको, नेक्स्ट टॉपिक के चलते हैं, ये देखते हैं कंबाइंड फुटिंग का क्या है, डिफ्लेक्शन देख रहे हैं, दिस टाइप ऑफ कंस्ट्रक्शन इसका डिफ्लेक्शन और शॉर्ट वर्ड भी है, बिकॉज यूजफुल where exterior column is situated नोट कर लीजिएगा, छोटे छोटे डिफ्लेशन है, नॉर्मली कोई कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, इजी डिफ्लेशन है, एक दो बार अगर पढ़ेंगे तो हमेशा याद रहेगा, भूलेंगे नहीं कभी आप। ये देखिए क्या है कॉमन फुटिंग, एक कॉमन कंबाइंड फुटिंग, एक मिनट सॉरी थोड़ा मिस्टेक हो गया, कंबाइंड फुटिंग देख रहे हैं ना, कंबाइंड का मतलब कुछ समझ आ रहा है जुड़ा हुआ ना, कंबाइंड आपस में जुड़ा हुआ, मतलब कि कंबाइंड क्लासेस, कभी सुने होंगे ना कंबाइंड क्लासेस चल रही है, कंबाइंड क्लासेस मतलब
वो सेमेस्टर भी साथ में चला है या 10th क्लास 11th क्लास साथ में चला है, मतलब क्या दोनों कंबाइंड है एक साथ में है, मतलब एक दोनों अटैच है एक साथ है दोनों। देखते हैं क्या इसका लिखने का क्या, कंबाइंड कूलिंग प्रोवाइडेड फॉर टू और मोर कॉलम प्रोवाइडेड, मतलब दो या दो से अधिक कॉलम एक साथ कंबाइंड रहते हैं, कंबाइंड दो या दो से अधिक ज्यादा कॉलम एक साथ जब कंबाइंड रहते हैं उसको कंबाइंड फुटिंग कहा जाता है। डेफिनेशन भी है में भी है, एक कंबाइंड फुटिंग प्रोवाइडेड फॉर टू और मोर कॉलम, दो या दो से ज्यादा कॉलम दो डेज कंबाइंड फुटिंग। दिस टाइप ऑफ कंस्ट्रक्शन बिकॉज यूजफुल, किस यूजफुल कब है, कब यूजफुल ज्यादा होता है, मतलब वेन द एक्सटीरियर, वेन द एक्सटीरियर एक्सटीरियर मतलब बाहरी, वेन एक्सटीरियर कॉलम इज सिचुएटेड नियर द बाउंड्री लाइन ऑफ प्लॉट, ये बाउंड्री लाइन है मतलब बाहरी कॉलम जो है बाउंड्री लाइन के किनारे में अगर है तो कुछ कंडीशन में ये क्या है कंबाइंड फुटिंग, मतलब उस कंडीशन में जब एक्सटीरियर बाहरी बाहरी कॉलम बाहरी फुटिंग जब ये बाउंड्री लाइन के करीब है बाउंड्री लाइन का टेज जुड़ा हुआ है तो उस कंडीशन में ये उसको कंबाइंड फुटिंग यूज करते हैं। ठीक, ये काफी स्ट्रेंथ भी देता है मटेरियल स्लिप कर देता है, मटेरियल स्लिप करता है, सोचिए एक कॉलम अगर बनाएंगे फुटिंग अगर बनाएंगे फाउंडेशन फुटिंग अगर बनाएंगे तो क्या होगा उसमें, ये भी कॉन्क्रीटिंग लगेगी, अगर फिर एक सेपरेट बनाए तो भी कॉन्क्रीटिंग लगेगी, लेकिन जब दोनों को मर्ज कर दिया जाएगा ना तो कुछ कॉन्क्रीटिंग कम हो जाएगी, जो कॉन्क्रीटिंग जो सीमेंट मटेरियल जो होगा कम हो जाएगी और स्ट्रेंथ ज्यादा देगी, इसकी बियरिंग कैपेसिटी ऑफ कॉलम कॉलम की या फाउंडेशन की जो बियरिंग कैपेसिटी दबाव करने की क्षमता जो लोड की स्ट्रक्चर से ऊपर से जो दबाव आ रहा है वो सहन करने की क्षमता क्या है खोलेगी वो ज्यादा हो जाएगी, ये जल्दी फेल नहीं करेगा इसलिए इसका यूज किया जाता है आउटर लाइन पे या फिर जहां पे कटाव का कटाव कटाव जहां पर है जहां पर मिट्टी का कटाव हो उस कंडीशन में भी इसको इस्तेमाल किया जा सकता है। देखिए कंटिन्यूअस फुटिंग का डेफिनेशन है, डायग्राम में छोटा सा बना दे रहा हूं, यहाँ से टॉपिक से हमेशा बोला कभी भी अगर इस टॉपिक को आप जब इस टॉपिक को अगर समझ लेंगे ना ये क्या बोल रहे टॉपिक है ये सारी चीजें क्लियर हो जाए, अगर इसकी भी नहीं आपको कोई चीज अगर न समझ आ रहा डिप्रेशन या कोई चीज न समझ आ रहा तो आप एक काम करिए जो टॉपिक हो उसका बस हिंदी में वर्ड निकालिए, हिंदी में उसकी समांतर वर्डिंग जो है सब निकाल लीजिए उससे ये सब धीरे धीरे क्लियर होने लगेगी, जैसे आगे पढ़ते जाएंगे सब क्लियर होती जाएगी, कहीं भी आपका ना आपको ना समझ में आ रहा है जो भी चाहिए टॉपिक तो पहले उसकी उसकी हिंदी वर्ड निकालिए हिंदी सब निकालिए उससे धीरे धीरे आगे क्लियर होता जाएगा। कंटिन्यूअस फुटिंग क्या, कंटिन्यूअस क्या होता है लगातार, मतलब कितने साल से आप कितने दिन से काम कर रहे हैं कंटिन्यूअस चार दिन से काम कर रहे हैं चार हफ्ते से काम कर रहे हैं मतलब लगातार आते जा रहे हैं कोई पीछे ब्रेक या रुकावट ऐसा चीजें नहीं आई है क्या कंटिन्यूअस फुटिंग। इन दिस टाइप ऑफ कंस्ट्रक्शन इस तरह के निर्माण में इन दिस टाइप ऑफ कंस्ट्रक्शन इस तरह के निर्माण में द फुटिंग ऑफ टू और थ्री एडजेसेंट कॉलम आर द फुटिंग ऑफ
two or three adjacent column, putting the two or three adjacent column are made continuous. मतलब इसका कॉलम कंटिन्यूअस बन रहा है, एक के बाद एक बनते जा रहा है. प्रोवाइडेड बिटवीन बीम सक्सेसिव फुटिंग, मतलब के बीच में बीम का प्रोवाइड बीम बना करके, बीच में बीम बना करके ये कंटिन्यूअस इसको बनाया जा रहा है. मतलब लगातार एक के बाद एक इसमें ब्रेक नहीं है कहीं, ऐसा नहीं कि यार इस पार्ट से ये अलग है, ये पार्ट से अलग है, ये पार्ट ये अलग है, ऐसा कुछ नहीं. सब एक ही फाउंडेशन पे है, सब एक ही सीक्वेंस में है, सब कंटिन्यूअस ही चला जा रहा है. इसे क्या कहते हैं? कंटिन्यूअस फुटिंग. इट इज अ चीपर देन रैप फाउंडेशन. चीपर देन मतलब चीपर क्या होता है? सस्ता. रैप कहता है वेट फाउंडेशन टाइप का जो था, उससे क्या है हमारा ये सस्ता है कंस्ट्रक्शन. ये कंटिन्यूअस फुटिंग की छोटी छोटी डिफिनेशन है. कोई मुश्किल नहीं आएगी सब चीजों में. और नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं. नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं. ये लास्ट टॉपिक रहेगा इस लेक्चर का. कॉजेज ऑफ फेलियर ऑफ फाउंडेशन, मतलब कॉजेज मतलब क्या कारण है, मुख्य कारक किसी चीज के फाउंडेशन के फेल होने के क्या क्या कारक है, वो क्या क्या रीजन है, क्या कारण है, ये सब चीजें इसमें डिस्क्राइब करूंगा, बताऊंगा. अनइक्वल गला क्या है, अनइक्वल सेटलमेंट ऑफ द सबसॉइल स्टोन से बन रही हो गई, जिस चीज से बन रही है उस चीज को उसको
चीज को कहते हैं मेजरिंग। ठीक, अनइक्वल सप्लीमेंट ऑफ मेजरिंग। बच्चा आप सोच रही है मैंने क्या करा, ईंट की दीवार बनाई, ईंट की दीवार बनाई है, सपोज ईंट की दीवार, सपोज ये मेरी ईंट की दीवार है, ये क्या हुआ, इस एंड पे ज्यादा लोड हुआ, इस एंड पे ज्यादा लोड आ गया, इस एंड पे का आप सोचिए 50 किलो न्यूटन यहां लोड आ गया, यहां 25 किलो न्यूटन, ठीक ना, 50 किलो न्यूटन लोड किया है यहां पे 25 किलो न्यूटन का, जब ये ज्यादा यहां पे लोड आया क्या हुआ है, जब यहां पे ज्यादा लोड होगा तो ये पोर्शन जो है 50 किलो न्यूटन वाला ये पोर्शन सॉइल के इस पार्ट पे ज्यादा दबाव देगा, इधर ज्यादा दबाव रहेगा, इधर क्या रहेगा, इधर कम रहेगा, इस कंडीशन में क्या होगा, ये इधर बैठेगा, इधर सेटलमेंट चाहेगा कि इस फेस पे 50 किलोमीटर वाले फेस पे ये सेटल करेगा, नीचे बैठेगा, इधर कम होगा, तो ये क्या होने वाला है, क्रैक हो गया ना, वहां पे क्रैक हुआ, तो क्रैक हुआ इसका हुआ ये फेल कर गया। अब इसी तरह कॉलम में भी है, अगर कॉलम यहाँ पे है, वीक कॉलम है, यहाँ पे ज्यादा लोड है, ये सेटल कर जाएगा, ये वीक कॉलम है, ये प्रॉब्लम हो जाएगी, सेटलमेंट की प्रॉब्लम आ जाएगी, मतलब मिट्टी ज्यादा कर जाएगी और यहाँ पे कम देगी तो क्रैक हो जाएगा, क्योंकि कॉन्क्रीट में टेंशन तो होता नहीं है, उसको टेंशन प्रोवाइड किया जाता है, लेकिन अब एक हर चीज की एक लिमिट होती है ना, अब आवश्यकता से ज्यादा कोई भी चीज का अगर इस्तेमाल करेंगे तो अच्छी भी चीजें हैं, बहुत यूजफुल है, लेकिन आवश्यकता से ज्यादा अगर इस्तेमाल करेंगे तो भी नुकसान पहुंचाएगी आपको, तो वही कंडीशन यहाँ पर आयोग जा रहा है, फर्क है। विड्रॉल ऑफ मॉइस्चर, विड्रॉल मतलब क्या है, निकालना, मॉइस्चर मतलब क्या था, नमी फ्रॉम द सबसॉइल। अब सोच लीजिए सॉइल में भी तो पानी रहती है, मिट्टी के जो छोटे से छोटे छोटे से जो पार्टिकल्स में अगर भी मिट्टी में पानी रहती है, हर मिट्टी के पार्टिकल्स में पानी रहती है, अगर मिट्टी के पार्टिकल्स में अगर पानी ना रहेगी ना तो कोई स्ट्रेंथ नहीं देगी, अगर ज्यादा पानी रहेगी तो भी दिक्कत है, कम पानी रहेगी तो भी दिक्कत है, तो हमें ऐसी चीजों में मेंटेन रहना चाहिए। अगर तुझे ये मिट्टी है ये बहुत ज्यादा सूख गई, भाई मिट्टी है ये सूख गई, सूखी तो ये क्या था, इसमें पानी था, अब सोचिए जब सूखी तो क्या होगा, पानी निकल गया, विड्रॉल मॉइस्चर निकल गया, मॉइस्चर सब निकल गया, जब मॉइस्चर निकल गया तो ये पानी की जगह, जो पार्टिकल्स पानी की जगह तो लेंगी ना, सॉइल कॉम्पैक्टेड होता है ना, कहते हैं ना सॉइल को दबाया जा सकता है, क्यों दबाया जा सकता है, क्योंकि उसमें से पानी निकाला जा सकता है, अगर पानी ना निकल जाता निकलता तो कैसे दबाते, ठीक, कॉम्पैक्शन नहीं हो पाता, तो क्या इसमें नमी निकल गई तो ये पार्टिकल और क्लोज हो जाएंगे, जब और क्लोज हो जाएंगे तो गैप मिल जाएगा, स्ट्रक्चर ऑटोमेटिक बैठने लगेगा, समझ रहे, स्ट्रक्चर जब बैठने लगेगा रोड के वजह से तो फेलियर हो जाएगा। सुपर स्ट्रक्चर पे अगर क्या हुआ कि मैंने घर बनाया, सोचिए सपोज क्या हुआ कि मैंने घर बनाया 10 लोगों के रहने के लिए, एक फैमिली के रहने के लिए मैंने घर बनाया, बट क्या हुआ, बस आगे मेरा डिसीजन हो गया, मैंने पहले कंस्ट्रक्ट न्यू इतनी अच्छे से नहीं रखी थी, बस एक परिवार के एक फैमिली के लिए रेसिडेंशियल के लिए निवास के लिए उसमें मैंने बनाया था, बट क्या हुआ आगे कंडीशन आया, हो सकता है इसमें रेंट पे कर दे दूं तो कुछ, अगर भाड़े पे दे दूं तो कुछ पैसे हमें मिल जाएंगे, तो उसकी उस चीज के लालच में मैंने नीचे ध्यान नहीं दिया, ऊपर और एक दो और फ्लोर बनवा दिया,
एक तो दो तीन फ्लोर और बना दिया, दो तीन फ्लोर बनाया तो स्लैब बीम कॉलम सब का जो वजन है ये तो नीचे ही तो आएगा। जब नीचे आएगा तो जब स्ट्रक्चर का लोड ज्यादा हो जाएगा, सुपर स्ट्रक्चर ऊपर का लोड अगर ज्यादा हो गया तो नीचे ही तो ट्रांसफर करेगा, नीचे तो किस पे ट्रांसफर करेगा, नीचे फुटिंग के फाउंडेशन पर ट्रांसफर करेगा, तो फाउंडेशन यहाँ से वीक हो जाएगा, क्रैक हो जाएगा, फेल कर जाएगा एक्सेस लोड की वजह से, फेल कर जाएगा। नेक्स्ट है अर्थ का मतलब मिट्टी का सतह का हॉरिजॉन्टल होता है, ये मिट्टी का भी ऐसी होती है, मिट्टी ऐसी होती है इसका यहाँ से खिसक जाए, मतलब इस मिट्टी का यहाँ से निकल जाना किसी भी तरह अति चराई, मतलब अति चराई मतलब जैसे मिट्टी का अति चराई या कोई इरोजन होता है बाढ़ के पानी या किसी भी तरीके से, या कहीं खुदाई कर रहे हैं तो उसकी वजह से खिसक गई मिट्टी, किसी भी तरह से हॉरिजॉन्टल मतलब हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जब मिट्टी का खिसक जाता है क्या होता है मूवमेंट ऑफ अर्थ, उसकी वजह से फेल हो जाएगा। एटमॉस्फेरिक कंडीशन, बारिश का मौसम है, बाढ़ है, बाढ़ अगर नहीं गया है, बारिश का पानी अगर ज्यादा हो गया, बारिश का पानी ज्यादा गया और मिट्टी खराब है, मिट्टी पहले से क्या करती है और पानी ज्यादा सोखती है, अब बारिश हो गई तो क्या वो समय फूल जाएगी।